सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। समाअत कब होगी बताइएगा। देखिए 12 जून को चीफ जस्टिस की सरबराही में तीनों के लिए बेंच है, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। वो आसिफ जरदारी के दस्ते रास और चेयरमैन नॉमिनी ग्रुप ख्वाजा अनवर मजीद का नाम ईसीएल से निकालने और उनको पासपोर्ट वापस करने की दरखास्त पर समाअत करेगा। इस वाले से अदालत ने नैब समेत दीगर जो फरीकैन है उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। ख्वाजा अनवर मजीद का जाली अकाउंट केस में मरकजी किरदार उस वक्त सामने आया था, जिसके ऊपर नैब ने उनका नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की थी और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अब दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। नुमाइंदा खुसूसी ज़ुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ, जानिए बजट ट्रांसमिशन में सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अर्शद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।